जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज मैं पापा के साथ, ये हमारी सैक है जो हम फर्टिलाइजर्स लाते हैं खेतों में फसल को डालने के लिए, तो उसको हमने उसके धागे निकाल कर अभी उसी से ये घर पे सिला रहे हैं। या हम चाहे तो मशीन से भी सिला सकते हैं, लेकिन मेरे पापा को ये काम बहुत पसंद है और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता सिलाना वगैरह। लेकिन आज मैं इनके साथ बैठ के उनको हेल्प भी कर रही हूँ और मुझे कुछ सीखना भी इनसे कि ये कैसे, कपड़े नहीं आते सिलाने तो क्या हुआ, कम से कम ये तो सिला लो जो बहुत आसान है सब बोलते हैं। तो आज मैं भी देखती हूँ कि कैसे सिलाते। पहले मैं देखती हूँ कि पापा कैसे रस्सी डालते हैं इसमें और इससे सिलाते हैं, तो फिर उनके देखने के बाद मैं ट्राई करूँगी। पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं। अभी उसकी दूरी ख़त्म हो गई है और इसी से हम इसे सिलाएंगे। आपको पता है ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला था ना कि हमारा एक गेहूं का खेत है जहाँ पर हार्वेस्टिंग मशीन नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहाँ बीच में खाने के वो पैज और पैज के सीड्स भी लगे हुए बीच में, तो इसी वजह से वहाँ तक मशीन नहीं जा पा रही और बाकी और से भी वो पूरा घिरा हुआ है फसल से, तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। तो अभी उसे हाथों से कट करेंगे जैसे कि पहले किसान लोग करते थे वैसे, और इस पर वो उठा के लाएंगे, इकट्ठा करेंगे, इसीलिए सिला रहे। और बाकी बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी ये यूज़ में आता है और मैंने अभी ट्राई करना शुरू किया। जैसे कि मुझे मेरे बाबा ने बताया वैसी तरह से मैं कर रही हूँ। हम महाराष्ट्र के लोग आई मम्मी पापा को आई बाबा बोलते, तो मेरे बाबा अभी मुझे बता रहे थे कि कैसे सिलाना है, लेकिन मुझे नहीं आता था तो मैंने ट्राई करना शुरू किया, लेकिन मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। लेकिन थोड़ा सा मुझे आने लगा था कि अभी पूरा हो जाएगा तो देखते कैसा बनता है। और वो मुझे बार बार बताते जा रही थी, यहाँ से वहाँ डालो, वहाँ से यहाँ डालो, और मैं करती जा रही थी। और सभी अभी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि अभी हम आंगन में पेड़, हमारे यहाँ पे जो बादाम का पौधा है उसके नीचे बैठे हैं वटे पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और बहुत पंछी की किलबिलाहट भी सुनाई दे रही थी। लेकिन हमारे जो बच्चे थे वो म्यूज़िक सुन रहे थे, इसीलिए मुझे यहाँ से उनकी पंछियों की आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि फिर कॉपीराइट आता है इसी वजह से, तो इसके लिए मैंने वो निकाल दी। और बहुत हमने बोला ना कि हम घर से ज़्यादा आंगन में रहते शाम हो या दिन हो, और अभी धूप बहुत है तो भी यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है और पंछियों की किलबिलाहट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। और आज तो मैं पापा से ये सीख के दम लेने वाली थी क्योंकि बहुत हो गया कि मुझे सिलाई का कुछ भी आता नहीं, सब डांट मारते रहते कि तुमको सब आता है लेकिन एक काम है जो नहीं आता। और आज मैंने देखो पूरा करने को आई फटाफट से, आपसे बातें करते करते कभी ये पूरा हुआ, ये पूरा नहीं हुआ है, बस एक साइड का पूरा हुआ है। पूरा सिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसे, क्योंकि हम लोग ये दो सैक इकट्ठा जोड़ेंगे, फिर चार दिखेगी वो बड़ी, फिर उसके साथ फिर दो जोड़ेंगे, तो ये ऐसे कर करके इसे बड़ा बनाएंगे। ये हम चाहे तो सिलाई मशीन की दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही करते हैं। और अभी देखो ये कैसे हो गया, बड़ा हो गया अभी, और ये बहुत ज़्यादा, एक बार बनाओ तो बहुत दिनों तक चलता भी है। और इसी तरीके से हर को जोड़, तिनका तिनका जोड़ते हैं वैसे बोलते हैं ना, तो इसी तरह से ऐसे जोड़ जोड़ के इसे बहुत बड़ा बनाएंगे ताकि इसमें गेहूँ वो डाल सके। लेकिन वहाँ से फिर ये मशीन गुजरी तो हम लोगों ने रोक लिया उसे और पूछा कि हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ हो सकता है क्या? तो फिर हम लोग भी चढ़ गए ऊपर, कृष्णा आदिति और मैं, और फिर बहुत अच्छा लग रहा था। ये मशीन बहुत ऊपर, ये लग रहा था कि जैसे वो आर्मी वालों के पास वो होती है ना रनगाड़े, वैसे वैसी तरह से। फिर हम लोगों ने सोचा बहुत कि क्या किया जा सकता है, तो हमने ये सोचा कि अभी वो फसल थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अभी बहुत धूप हो चुकी है और
ये देखो, जिसको हम बहुत संभालते हैं, हमारा पैर तक वह पड़ने नहीं दे रहे थे, और आज कुचल के ये मशीन उसे कुचलती हुई आगे निकल रही थी, और हम खुद रास्ता बना के दे रहे थे उसे जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गेहूँ था तो हाथों से निकालना बहुत मुश्किल होगा। और अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, और अभी ये काम बहुत हार्ड होता है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो फसल थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन किसी को, क्योंकि अभी वर्कर्स भी आते नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में कोई काम करना नहीं चाहता, तो घर के लोगों को करना पड़ता, तो पूरा काम घर पे ही करेंगे तो घर के बीमार हो जाएंगे ना। तो हमने सोचा कि चलो इसी में से भी वो आएगा। अभी इतना प्यारा, हम पैर, आपको पता है हम पैर भी बहुत ज़्यादा संभल के डालते हैं इसमें, हम जाते भी नहीं अंदर, लेकिन आज इतनी बड़ी मशीन लेके अंदर घुस रहे तो पूरा वो खराब कर देगी। और यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे खेत ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बांधे हुए हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये उखड़ना पड़ रहा है ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ पाए। मैं और मेरा भाई यहाँ पे रास्ता बना रहे थे, और वो मुझसे ज़्यादा बोले कि वो कहाँ पे करना है, तो मशीन वाले भाई थे तो वो बोले कि मेरे पास दो, मैं अच्छे से हेल्प करता हूँ। और फिर उन्होंने ले लिया, और उनको ज़्यादा नॉलेज भी है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए उनको दे दिया। अभी दोनों मिलके फटाफट से रास्ता बनाएंगे और फिर आएंगे गेहूं तक। और ये गेहूं हमारा लास्ट वाला था, क्योंकि इसमें हमने दूसरा फसल डाली हुई थी, तो इसीलिए ये लेट ही आया। और हम लोगों के पास पानी होता है, तो इसी वजह से हम थोड़ा लेट भी हुआ, तब भी गेहूँ पेरते हैं, ताकि बहुत अच्छी सी फसल आती है तो करना चाहिए ठोक भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सब्जियाँ ही उगाते हैं ना, तो 24 घंटे काम चलता रहता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा समर टाइम में सब्जियाँ कम करके ऐसे पिक डालते हैं, ताकि फसल डालते हैं ताकि काम थोड़ा रेस्ट करने को मिले, क्योंकि बारिश के दिनों के बाद जो का खेती फिर से स्टार्ट होगा तो एनर्जी रहे। और देखो हम जाते नहीं, खुद बहुत संभल के आज इतनी बड़ी मशीन उसे कुचलती हुई आगे निकल आ रही थी, और सब फसल से धीरे धीरे हमारे खेत में वो आ चुकी थी। हमने रास्ता बना के दिया, और अभी देखो कुछ ही मिनटों में, जितना टाइम हमें रास्ता बनाने में लगा उतने टाइम में ये गेहूं को पूरा कृष्णा के स्टाइल में खलास कर देगी, यानी कि पूरी फसल रेडी करेंगी। और अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतनी बड़ी मशीन है, और वो ड्राइवर भाई साहब भी बहुत अच्छे, मतलब ये पंजाब के हैं और उनको बहुत अच्छे से आता है ये मशीन हैंडल करना। तो अभी ये कुछ मिनटों में ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर पूरी फसल रेडी करेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मानो यही किया हम लोगों ने, आसानी से ये झट से निकल जाए, इसीलिए हमने इसको फसल को कुचलने दिया हाथों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत हार्ड वर्किंग काम होता है, तो इसीलिए। और बारिश भी आ गई तो ये पूरी खराब हो जाएगी, सिर्फ। और आपने देखा इधर उधर से पूरा ये, मतलब यहाँ कहीं से भी उसको आने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, और इसी वजह से यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन अभी पहुँचा तो देखो कैसे स्पीड से भाग रहा है, और जितने स्पीड से ये भाग रहा है उतने स्पीड से हमारे गेहूं भी रेडी हो रहे हैं। और इसे काम करते हम वर्कर लगा के, तो क्योंकि अभी वर्कर भी नहीं मिल रहे, तो दो तीन वर्कर मिल जाते तो ये 7-8 दिन बस इसे कटाई करने में जाते, फिर उसको
इकट्ठा करो, फिर दूसरे मशीन को बुलाओ, फिर लाओ, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। और अभी ये देखो कैसे भाग रहा है जोरों से। और आपने देखा वहाँ से वो बीज था, और यहाँ से भी हमारे ये प्याज प्याज ही लगाए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कहीं से और आने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि उसके ये प्याज के खेत के पीछे नदी है और उसके ऊपर बहुत सारे ज़्यादा हाइट है, तो वहाँ से मशीन बिल्कुल नहीं आ सकती यहाँ तक। और इसीलिए यहाँ, और ये ऊपर से भी देख रहे हैं आप इधर से, तो इधर से भी बंद था, तो बस वही एक रास्ता था जिसे हम लोगों ने बनाया। और अभी गेहूँ को रेडी करवा रहे हैं। और बस वो इधर से उधर भाग रहा था और बहुत सारा धुआं भी छोड़ रहा था वो, तो आँखों में जा रहा था, इसलिए हम लोग साइड साइड में खड़े थे। और कुछ ही मिनटों में दिनों का काम मिनटों में कर दिया उसने। और अभी ये कुछ ही देर में सब हो जाएगा। और जो यहाँ पे हवा से गिरे थे वो भाभी बोल रही थी कि यहाँ कुछ बचे हुए, तो वह उसे भी, तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा उसे ऊपर ऊपर तक उठाओ, फिर वो आते टाइम उसे ले लेंगे, क्योंकि इस मशीन को ना पूरा गेहूँ खड़ा होना चाहिए, तब जाके वो बहुत मज़े से कट करता है, क्योंकि वो नीचे लुंडका हुआ हो तो वो मशीन नीचे लग जाती तो उसमें पत्थर, गेहूँ में पत्थर और कंकड़ आ जाते, इसीलिए ऊपर होना तो बहुत बढ़िया गेहूँ तैयार होते थे, वो कैसे लग रहा है फटाफट से। बिना तकलीफ हुए और यहाँ खेत में जाओ ना, तो अभी यहाँ पर दोपहर के 3 बजे हुए और बहुत तेज़ धूप थी, और फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, प्याज भी लग रही थी, पसीना आ रहा था, लेकिन हम लोगों को ये देखना ही था इसीलिए हम यहाँ पे रुके थे। और फिर अभी हमारा फिनिश हो गया पूरा, और जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसे भी ले लिया उसने अभी जो गिरा हुआ था, और अभी पूरा ख़त्म हो गया। देखा हमने कोई 10 मिनट में हो गया पूरा, और ये बहुत बड़ी मशीन है, उसके आगे पीछे कोई रहे तो ये खींच लेती बोलते हैं, इसलिए सब भागते, वो पास आती है ना, क्योंकि एक दो हाथ से भी हुए, क्योंकि वो इसके पास रहो तो वो खींच लेती है अपने आप को, इसीलिए इस मशीन से बहुत दूर रहना वो जब काम कर रही हो तो, क्योंकि ड्राइवर कितना भी अच्छा हो लेकिन वो मशीन तो मशीन है ना, वो सामने क्या कर सकता है, इसलिए आप सेफ्टी से बहुत ज़्यादा दूर रहना ताकि वो अपना। और अभी वापस जा रहा है तो फिर हमारे प्याज के सीड को कुचलते हुए जाएगा, तो ये सब देखना बहुत बुरा लग रहा था मुझे, पर क्या करें, करना पड़ा। तो अभी होगा ये, और अभी यहाँ से भी उसको भी कैसे नीचे आएगा ऊपर जाएगा वो भी बहुत डर लग रहा था। और अभी फिर से ये जहाँ से आया था उसी रास्ते से वापस जाएगा, और जब ये वापस जाएगी इतनी बड़ी मशीन, तो कांदे की तो हमारी चटनी बन गई, मतलब कि प्याज की चटनी बन गई। और फिर सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि अभी उससे हमें गेहूँ लेने हैं और उसको पैसे भी देने हैं,
इतने गेहूँ निकालने के उसने हमसे 1300 रुपये लिए। और फिर देखो अभी गए थे और अभी हमारा काम भी ख़त्म हुआ और गेहूँ में भी घर में आ गए। अभी रात को बारिश भी हुई तो कोई डर नहीं। और इसे हम बाहर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप देंगे उसे बहुत दिनों तक ताकि उसे कीड़ा ना लगे। और देखो कितना बढ़िया से पानी गिरा यहाँ पे, जैसे कि दो दो गंगा बह रही थी। और बहुत अच्छे गेहूँ मिले, उसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। और भाई चेक कर रहा था कि इसमें कोई कंकड़ वगैरह है आया है या नहीं। और मुझे तो इस गेहूँ में भी आप जैसे हम पानी में खेलते हैं ना, उसी तरह से हम बचपन से गेहूँ में बहुत खेलते थे। इसे सुखाते हैं 8 से 10 दिन तो उसे फैलाना और फिर रात को इकट्ठा करना, ये हमारा फेवरेट काम था। मैं मेरे आई बाबा को बहुत हेल्प करती इसमें, मैं और मेरा भाई। और जो बचे कुचे गेहूँ थे उसे भी निकाल देते हैं क्योंकि वो भी मशीन में अड़क गए थे दूसरे साइड, तो उसको भी हम लोगों ने जो अभी अभी सिलाया था ना हमने, देखो यूज़ में आ गया, ज़्यादा वाले नहीं तो, लेकिन अभी। और यहाँ पे जो अटके हुए गेहूँ थे उसे उसमें ले लिया और झोली पकड़ कर उन्होंने डाल दिया उसमें। और अभी पूरा गेहूँ हमारे हाथ में आ चुका था और अभी से देखे यहाँ से जाना था। तो सब बहुत खुश थे क्योंकि फसल अभी इतनी अच्छी श्रेण हो गई। मेरे आई बाबा और सभी एक बहुत खुश थे, कृष्णा वो क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी गेहूँ खड़ा था और यहाँ पे अभी निकल आया। और अभी पापा और भाई उसको उनको पैसे देंगे। और मेरा भाई बोल रहा था 1200 देने, वो बोल रहे 1400 क्योंकि हम लोगों की बात हुई थी 1300 की, तो 1300 दिए। और फिर वो दूसरे खेत में जा नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे ऐसी रस्ते की तो मेरे पापा और बोल रहे थे कि प्लीज़ निकाल दो उनका भी ताकि वो भी टेंशन फ्री हो जाए। भाभी भी बहुत खुश थी, आई भी बहुत खुश थी मेरी, और सब खुश थे क्योंकि गेहूं फटाफट से रेडी हो गया। क्योंकि हम लोग हैं ना जो इतने दिन से मेहनत करते हैं और उसके बाद फसल आती है तो सबके चेहरे अपने आप शाइनिंग में आ जाते हैं, बहुत स्माइल आती है अच्छी। और हमारी आदिति देखो मेरी बहन जी बहुत स्टाइल मारती है वाह। और कृष्णा भी खड़ा था साथ में। पापा को मैंने पूछा गेहूँ कैसा है तो बोले बहुत बढ़िया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और हम फिर ऐसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कृष्णा राधे राधे।